बता दें योगी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा 8 दिसंबर को हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। 6 मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाने की चर्चा है। यूपी सरकार में 10 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। एक डिप्टी सीएम का पद भी बढ़ाया जा सकता है और बिहार की तर्ज पर ओबीसी या एससी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। कई बुजुर्ग मंत्री संगठन में भेजे जा सकते हैं। तो मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा है। कई मंत्री हटाए भी जा सकते हैं और एक डिप्टी सीएम के पद को बढ़ाया भी जा सकता है। तो अब 8 दिसंबर हालांकि कयास लग रहे हैं कि वहां पर ये बैठक के बाद अब हो सकता है मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर आगे चर्चा और हो। 8 दिसंबर को हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। 6 मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाने की भी चर्चा है फिलहाल और यूपी सरकार में 10 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। एक डिप्टी सीएम का पद भी बढ़ाया जा सकता है। तो हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र जी जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। वीरेंद्र जी, बड़ा फिर बदल हो सकता है मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर यूपी में? देखिए, उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं काफी समय से चल रही हैं, लेकिन चूंकि अब सारे उपचुनाव हो चुके हैं जी, और मंत्रिमंडल में 4 पद पहले से खाली है जी, 2 मंत्रियों का निधन हो चुका है और कई दिनों से कयास लग रहे थे कि यूपी में योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो ये भाजपा के सूत्रों के अनुसार ये जानकारी आ रही है कि 8 दिसंबर को योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और इस विस्तार में 6 मंत्रियों की छुट्टी की जाएगी और ज्यादातर इनमें वो लोग हैं जो 70 की उम्र पार कर चुके हैं, जो 75 साल के आसपास हैं, उनको सरकार से हटाकर संगठन में भेजा जा सकता है। तो 10 नए मंत्रियों को उत्तर प्रदेश में जगह मिल सकती है और 8 दिसंबर को इस बात की चर्चा है कि संभवतः योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। तो भारत समाचार पर ये बड़ी खबर है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये 8 तारीख को संभावित है मंत्रिमंडल का विस्तार जी। वीरेंद्र जी, देखिए 8 दिसंबर को जब ये विस्तार होगा तो कई नए चेहरे भी उम्मीद लग रही कि सामने आ सकते हैं और एक डिप्टी सीएम का पद क्यों बढ़ रहा है? बिल्कुल, देखिए नए चेहरों को स्वाभाविक है मौका मिलेगा क्योंकि जब भी कोई विस्तार होता है तो नए और अनुभवी दोनों का सामंजस्य बनाया जाता है और जातिगत आधार पर भी गणित देखी जाती है। लेकिन जब से बिहार में सरकार रिपीट हुई है गठबंधन की, उसके बाद से यहाँ पर भी एक डिप्टी सीएम जो एससी या ओबीसी वर्ग का हो उसको बनाने को लेकर चर्चा है और बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ध्यान रख रही है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि शायद ओबीसी वर्ग से या एससी वर्ग से किसी एक व्यक्ति को, चाहे रमापति राम शास्त्री को या विद्यासागर सोनकर को, इनमें से किसी एक को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। तो नाम कई है जिनकी चर्चा है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि 10 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है और इस मंत्रिमंडल विस्तार में अब चूंकि 1.25 साल का समय लगभग सरकार के पास बचा है, तो ऐसे में ये माना जाएगा कि यह आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार होगा। ऐसे में देखना होगा वीरेंद्र जी कि कौन से चेहरे इसमें शामिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।